किसी काम की हो जल्दी मत करना, और जल्दी जहां जहां भी आप करेंगे, बच्चे नौजवान ध्यान से सुन लें, जब जब आप बिना वजह कहीं जल्दी करोगे तो आप कहीं ना कहीं चूक खाएंगे। जल्दी करोगे तो चूक खाओगे। तो कभी भी बिना सोचे समझे आगे कदम नहीं, आगे वाला पैर जब तक बढ़िया तरह से नहीं जम जाए तब तक पीछे वाले को मत हटा देना। मत ऐसा होगा गे लूंगा धन न पाओ, पीछे वाले उठा दो है? और आज देखा है तुमने सबसे ज्यादा जल्दी किने होती है नेता लोगों ने, ये मोनू बाबू जो नेता ही है, नेता ज्यादा जल्दी होते हैं। तुम देखियो कहूं भागवत में आम है तो सत्य बताइयो भाई भागवत सुनवे आता है ना, वे अपने काम से रहता है। भागवत में आए हजार रुपए कथा में धरे और नेक दो मिनट टिके, ठीक है शाम तो चलते हैं, जल्दी नहीं तो होते। तो नेतन की जल्दी बताए तुम्हें हम। एक बार एक हेलीकॉप्टर में एक तो पायलट रहता है, पायलट चला रहा था उसे, एक नेताजी बैठे हुए थे उसी में, एक अध्यापक बैठे थे जो बच्चों को पढ़ाते हैं, और एक स्टूडेंट बैठा था नई उम्र का लड़का था 18-20 साल का। तो चारों ऊपर उड़ रहे थे हेलीकॉप्टर में, इंजन है वो बंद, इंजन हो गया खराब। जो पायलट ने कहा भैया हेलीकॉप्टर तो खराब है, तो जब हेलीकॉप्टर ऊपर बंद है जाओ तो कौन गिर सकते हो, तो वो ऊपर से जो कूदत कहां बचबे करने बात क्या कहते हैं पैराशूट। अब आदमी है चारों पैराशूट है तीन, अब कही भैया आदमी है चारों पैराशूट है तीन, तो सबसे पहले नेताजी बोले कि भैया ऐसा करो पहले मुझे कूद जान दो, अगर मैं ना रहो तो फिर राजनीति को करे हो, ये देश को चलावे हो। नेताजी कूद गए। दूसरे नंबर पर अध्यापक ने की भैया अगर मैं ही ना रहो तो विद्या खत्म है जाए फिर पढ़ावे हो को, तो ऐसा करो मुझे कूद गया, मां साहब कूद गए। अब रह गए सब पायलट ने कही के बेटा मैं तो बैसू अगली साल रिटायर है जाऊंगो, तेरी नई उम्र है तेने कछु ना देखो बेटा, तो तू कूद जा, चूंकि पैराशूट एक ही तो बचा है तो तू कूद जा। बा लड़का ने पीछे को नजर डाल के कही कि पायलट साहब बनगो काम के चो का पैराशूट तो है, एक तुम ले लो और एक ले लू मैं। मैंने की लला पैराशूट तो तीन ही है, उन्हें की पायलट साहब सबसे पहले बा पैराशूट की जल्दी में वो नेताजी में झोला लेके कूद गए, ध्यान करना तो कितनी जल्दी थी। अब जब जब झोला लेके कूदे होंगे तो का भाव हो, तो हमेशा ध्यान रखना अगर आप कहीं जल्दबाजी करेंगे तो चूक खाएंगे, निश्चित खाएंगे। सोच समझ के कदम उठाना चाहिए। तो श्रोता बंधुओं जब वो घोड़ा वहां से चला है और घोड़ा को आज रखवारी करने के लिए